पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जिन लोगों ने इरादतन मुख्यमंत्री को लेकर अपशब्दों का झूठा ऑडियो वायरल किया है, प्रशासन उन सभी पर चुनाव आचार संहिता में माहौल बिगाड़ने के जुर्म में कार्रवाई करे। ये कहना है कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी का। सचिन चौधरी ने आज अपने कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक लोग शहजाद राशिद, फराज बिलाल, राकेश अग्रवाल और कुछ अज्ञात ने मेरे खिलाफ एक प्रेस वार्ता कर मेरे और मेरे बारे में सोशल मीडिया और व्यक्तिगत रूप से भ्रामक बातों का दुष्प्रचार किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लेकर अपशब्दों का झूठा ऑडियो भी वायरल किया है। ये सब एक षड्यंत्र के तहत किया गया है और जो भी इस प्रेस वार्ता में शामिल हुए उन सभी पर NSA लगाकर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। चुनावी माहौल में इस तरह की बातें हमारे शहर का अमन चैन खराब कर सकती हैं। ये सब मेरे राजनीतिक रसूख को खत्म करने की साजिश है। कुछ सियासी प्रतिद्वंदी लोग मेरी और कांग्रेस पार्टी की छवि को खराब करना चाहते हैं। ये सभी बातें प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने कही हैं। आज हम कप्तान साहब से मिलेंगे और ऐसे लोगों पर NSA की मांग करेंगे जो लोग अपने छुटभैया राजनीति के लिए, अपने छुटभैया प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए इतने बड़े पद की गरिमा गिराएंगे, उनको बक्सा नहीं। उन लोगों का कहना यह है कि उन लोगों पर एविडेंस से चेक थ्रू और अकाउंट से पैसे दिया गया है और इसको लेकर कई बार आपसे मिलने की कोशिश की, परंतु मैं क्यों मिलूंगा। मैं कह रहा हूं मैंने चीज बेच दी है भैया, मैं क्यों मिलूंगा। और रही बात मिलने की, कंपनी आइए अपना पेमेंट दीजिए और कंपनी नहीं सुन रही पुलिस के पास जाइए, पुलिस एविडेंस कलेक्ट करेगी, अगर पुलिस भी नहीं सुन रही तो CGM के पास जाइए, कोर्ट के पास जाइए। नहीं, उनको नेता अगर बनना है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उसमें व्यक्ति है राशिद अली जो एक पीली उसमें था, मैं देख रहा था वीडियो में, 11 लाख रुपए बताए थे उसके खाते से एक फूटी कोड़ी अगर आई हो, मैं कप्तान साहब से इसके लिए भी कहूंगा कि इसका भी बंदर बनाया जाए। मतलब आप एक चीज समझिए, आपका पैसा लगा नहीं, उनके फादर के प्लॉट लिए हैं, फादर उनके संतुष्ट हैं, एप्लीकेशन आप दे रहे हैं। मतलब ये वो समाजवादी पार्टी का छुटभैया नेता है जो ये राशिद अली है, उसको पार्षद बनना है पता नहीं कौन से उससे। कमाल की बात है, मैं तो इस बात को सोच के बड़े ताज्जुब में हूँ कि इस तरह के माहौल में मेरा नाम खराब करने की कोशिश की जाती है। मेरी इसमें क्या गलती? तो क्या मानते हैं कोई राजनीति के इसमें कोई बढ़ावा दे रहा है आपके? देखिए मेरी पार्टी की भी इसमें एक दो लोग शामिल हैं, उसकी जांच चल रही है। सर आराध्यम अब किसके नाम है, कंपनी किस किस? आराध्यम MD जो है उसकी आभा चौधरी है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर कोई किसी को परेशानी है भी तो वो अपनी एक एप्लीकेशन कंपनी में दे। किसी कंपनी के आप ब्रोचर दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं तो उस PC को ही नहीं समझ पाया वो PC किसके खिलाफ थे। उसमें वो बोल रहा है कि 5000 रुपये लेती है पुलिस FIR करने के। आप बताइए मुझे, आप ये कोई 5000 रुपये लेती है पुलिस FIR करने के और 5000 रुपये लेती है FIR लगाने के? पुलिस के बारे में उन्होंने ये बोला, मुख्यमंत्री को उन्होंने गालियां दिला दी, मेरे खिलाफ उन्होंने अपशब्द बोले और सोशल मीडिया पे पिछले 2 महीने से वो मेरी वाइफ को गाली बक रहे हैं, मुझे गाली बक रहे हैं। तो उनके खिलाफ हम कप्तान साहब से आज शाम को मिलेंगे और ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं इनको जो है इन पे NSA की कार्रवाई कम से कम हो, क्योंकि इस तरह के ऑडियो वायरल करने से दंगा फैल सकता है, शांति भंग हो सकती है। इसलिए मैं आज कप्तान साहब से मिलकर इन पे कठोर कार्रवाई की मांग करूंगा। पब्लिक TV आपकी आवाज़।